गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग कल एक महत्वपूर्ण पाठ, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अर्थात अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पाठ को हम लोगों ने कल रीडिंग किया, उसके वर्ड मीनिंग को पढ़ा। आज हम लोग उसका अनुवाद करते हुए उसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए सीधे पाठ पर हम लोग आते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन। अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको साधारणतः आम रूप से, साधारण रूप से हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं या उनके अब्दुल कलाम से नाम से जाना जाता है, वह द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे फ्रॉम 2002 टू 2007, 2002 से लेकर के सन 2007 तक हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15th अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑल्दो ही वॉज बॉर्न इन ए प्योर फैमिली, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, फिर भी ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। लेकिन गरीब परिवार में जन्म होते हुए भी वे असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज ए बोट ओनर हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में, हिंदू तीर्थयात्रियों को जो है अपने नाव के द्वारा तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में नाव से ले जाते थे। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर असियम्मा वॉज ए हाउस वाइफ। उनके पिता पासी के एक मस्जिद, लोकल माने क्षेत्रीय, पास की एक मस्जिद के मौलवी भी थे और उनकी माँ असियामा एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज। उन्होंने अर्थात कलाम ने अपनी युवावस्था में ही कार्य करना शुरू कर दिया, अर्थात अपनी कम उम्र में, युवावस्था में उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। वह अपने परिवार का सहयोग देने के लिए इमली के बीज और अखबार बेचा करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वर के एलिमेंट्री स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम went to attend St. Joseph's College in Trichurapalli। अपनी स्कूली शिक्षा, एलिमेंट्री स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम त्रिचुन्नापल्ली के एक सेंट जोसेफ कॉलेज से जुड़े, अर्थात वहां गए। द कॉलेज वॉज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। वह कॉलेज मद्रास के विश्वविद्यालय से संबद्ध था।
फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली. ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वायुयान एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम तो एरो इंजीनियरिंग माने वायुयान अभियांत्रिकी में दक्षता हासिल की. उसमें विशेषता जो है हासिल की, उसमें दक्षता हासिल की. डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट. ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958 एंड देन ज्वाइंट इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन 1963. डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे. ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे. ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान का कुलाधिपति बनाया गया. ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद उन्होंने 1958 में DRDO अर्थात डिफेंस रक्षा अनुसंधान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 1958 में उन्होंने काम किया. एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो इन 1963. और 1963 में उन्होंने उपग्रह अनुसंधान संस्थान इसरो से भी जुड़ गए. ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट और उन्हें भारतीय उपग्रह में अपना गौरवपूर्ण योगदान दिया. एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO और रक्षा अनुसंधान DRDO में भी, भारतीय उपग्रह में DRDO में मिसाइल कार्यक्रम में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 He contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle, SLV-3. उन्होंने भारतीय उपग्रह में DRDO मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद वह SLV-3 उपग्रह छोड़ने वाला यान के यो अर्थात उपग्रह छोड़ने वाले वाहन के योजना निदेशक के नाते उन्होंने SLV-3 भारत का सबसे पहला इंडिजिनियस माने स्वदेशी जो वाहन उपग्रह को छोड़ता है टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट का उन्होंने खाका तैयार किया और रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट उसकी कक्षा में छोड़ने का अनूठा योगदान दिया. हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल और उनका सबसे बड़ा योगदान, सबसे महानतम योगदान उनका रहा वह है अग्नि मिसाइल के क्षेत्र में. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स वे डेवलप्ड बाय हिम अर्थात अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी महत्वपूर्ण मिसाइलें उनके द्वारा विकसित की गई. ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल
एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। मिसाइल मैन का मिसाइल का प्रक्षेपण, ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्हें मिसाइल मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। किस लिए? कि ऑन द वर्क डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। उपग्रह वाहन छोड़ने की तकनीक और मिसाइल प्रक्षेपण का विकास करने के कार्य के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन के रूप से के रूप में उन्हें जाना जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज ए ग्रेट राइटर टू। महान वैज्ञानिक, इसके साथ साथ बिसाइड्स माने इसके सिवाय, महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही वाज ग्रेट राइटर टू, एक महान लेखक भी थे। ही हैज रिटन मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने अनेक पुस्तकें, कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से कुछ पुस्तकों के नाम हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ही हैज मेंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। इंडिया 2020 नामक अपनी किताब में उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने के सपने के बारे में लिखा है। अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। उन्होंने अपने देश के युवाओं को सपना सपना और सपना देखते रहने के लिए उन्होंने कहा कि सभी लोग ड्रीम देखो, सपना देखो, और उन्हें ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, क्योंकि सपने उनके अनुसार विचारों में, सपने जो है विचारों में परिवर्तित होते हैं और विचार कार्य में परिवर्तित हो जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द पद्म भूषण 1981। भारत सरकार ने उन्हें 1981 ईस्वी में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी, और भारत रत्न उन्हें 1997 में दिया गया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 व्हाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलांग। शिलांग में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक भाषण देते हुए उनकी अचानक मृत्यु हुई। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडन बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम। सादगी, उनके जैसे सादगी पसंद और हमारे समय के महानतम लोगों में एक इंसान को इस असमय और अचानक होने वाली मृत्यु ने सारे संसार को चकित और दुखित कर दिया। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, जस्ट बर्न लाइक ए सन। उनकी ये कोटिंग है, उनके अंतिम वाक्य हैं कि यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो, प्रकाश देना भी सीखो, प्रकाशित होना भी सीखो। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।